Hello students, myself Mihir Patel, director of MPhys Institute of Physics. In this video session, we are going to discuss a formula concept for dual nature of radiation and matter. Please keep in mind, I will revise all the formula concept only in this video session. So basically, it is a rapid revision lecture series for competitive exam. So let us start with the first formula concept of this chapter. So the very important topic of this chapter, that is photoelectric effect, right? In NCERT syllabus, we have been gone through the different experimental concepts, and based on that, we have a certain formula related to photoelectric effect. In that, the first formula, that is energy of photon, E is equals to h nu. This basically, it is also considered with the value of small f, that is known as frequency, either or, you can write either or. So E is equals to hf, f in replacement of f, you can write down c upon lambda. C, that is the speed of light, and lambda, that is the wavelength. It's a basic formula of standard 11th. So first, please keep in mind, energy of photon E is equals to hc upon lambda. Is par se aapko MCQs aa sakte hai, usko aapko achhi tarah se recall karna hai. Next one, that is for number of photons emitted per second. Ye bahut si important फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर रिकॉल करना है. दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड. तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, एन इज इक्वल्स टू पी, पी दैट इज पावर अपॉन एनर्जी, अपॉन एनर्जी, दैट इज एन इज इक्वल्स टू पी अपॉन ई. सो न्यूमरेटर में पावर है और डिनोमिनेटर में ई वैल्यू है. जब कभी भी आपको नंबर फाइंड करना है फोटोन को, तो ये दो टर्म को आपको यहां पर इंक्लूड करना होगा. नेक्स्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली जैसे हमारा सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट की एप्लीकेशन में जाएंगे तो वी की जगह सी आइडेंटिफाई करेंगे, और उस पॉइंट पर हमें यहां पर सिंपली देन उसके ही रिलेशन में अगर हम एनर्जी वैल्यू के कंपोजिशन को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, सो दैट इज वन अनदर फॉर्मूला मोमेंटम के साथ जो हम कोरिलेट करते हैं, एच न्यू अपॉन सी, एच इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड. सो ये अगेन आप देख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी और स्पीड का जो रिलेशन है, बेसिकली इट इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ. सो एक नया फॉर्मूला मोमेंटम का आपको यहाँ पर याद रखना है, दैट इज P is equals to H upon lambda. और सिंपली अगर आप लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाओगे तो फॉर्मूला बनेगा H upon P, और वो दूसरा कुछ नहीं पर डी ब्रॉगली प्रिंसिपल आपको दिखेगा. सी, यही फॉर्मूला में से सिंपली आप C को डिनोमिनेटर में ले जाओ, C को डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो आपका ये फोर्थ नंबर का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा. क्लियर विद दिस? Now moving forward to the next and very important concept of this chapter, that is nothing but the work function, that is nothing but the work function. यहाँ पर simply जैसे कि हमने theory में बहुत detail में discussion किया हुआ है कि work function ultimately है क्या, कोई भी component में से electron को, atomic structure में से electron को अगर leave करवाना है, उसको escape करवाना है atomic structure में से, so that we have to give certain minimum amount of energy, and that is known as work function of that particular metal component. So yahan par work function basically denote kiya jata hai w naught se, which is equals to h nu zero, or we can say that hf, isko f bhi likh sakte ho, hf naught bhi likh sakte ho, right? That is frequency, aur fir se फ्रीक्वेंसी को आप कन्वर्ट करते हो c अपॉन लैम्बडा नॉट में. सो प्लीज कीप इन माइंड, वर्क फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना है. उसके बाद जो आइंस्टाइन की बेस थियरी थी,
उसमें से जो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन डिराइव हुआ था वो सिंपल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यहाँ हमको याद रखना है। उसमें सबसे पहले अगर आप देख लो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा है। सिंपल, जब काइनेटिक एनर्जी होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आपको याद ही है, 1/2 mv2। यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो स्पीड भी हमको क्या बोलना है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर आपको जब फोटोन एनर्जी के साथ कोरिलेट करोगे सो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस आपको क्या दिखाना है, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन जैसे कि मैंने यहाँ बोला, वो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आप यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, W नॉट की जगह आप सिंपली ये रिप्लेस कर दोगे। यहाँ से सिंपल आपको H वैल्यू कॉमन मिल जाएगी, तो H वैल्यू बाहर निकाल दी। फ्रीक्वेंसी को अगेन हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपली स्पीड अपॉन वेवलेंथ के रिलेशन में, राइट। सो अगेन वी कैन से दैट C भी कॉमन निकल सकता है, तो अंदर भी क्या बचेगा, 1/λ - 1/λ0। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको रिकॉल करना है एमसीक्यू के लिए। प्लीज कीप इन माइंड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम दिस चैप्टर। एट द सेम टाइम हम जो थियोरी डिस्कशन में करते थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिलेशन, राइट, उसको हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ हम किसको रिलेट करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, That is EV naught. So, वो भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहां पर याद रखना होगा। Then वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फॉर्मूला फ्रॉम द स्टैंडर्ड 11, दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। माने आपने एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दिया, 1 m² का सपोज टू बी एरिया ले लो, 1 s आप टाइम ले लो, और उस पर्टिकुलर टाइम से उस पर्टिकुलर एरिया में से जितनी एनर्जी पास ऑन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। नाउ ये इंटेंसिटी के रिलेशन में जब हम सिंपली ये देखेंगे, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। सो बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज पावर, बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज पावर। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला for the MCQ solutions. Then after de Broglie waves के concept में जो kinetic energy का हमारा standard formula में है उसमें simply ये formula को हम simply क्या करेंगे, m से multiply करेंगे और m से क्या करेंगे, divide करेंगे। Are you getting my point? So यहाँ numerator में क्या हो गया, m into m क्या हो गया, m square हो जाएगा और v square हो जाएगा। m square v square is basically मोमेंटम का स्क्वायर हमको रिप्लेस करना है। डिनोमिनेटर में यू कैन आइडेंटिफाई दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज m। सो लुक एट ओवर हियर, आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। ये p स्क्वायर को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2mk बनेगा। फिर उसको सिंपल p वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो इक्वेशन अंडर रूट में चला जाएगा। सो अंडर रूट 2mk, वन अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम दिस चैप्टर। जैसे कि मैंने आगे भी बोला कि डी ब्रॉगली प्रिंसिपल का सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। मोमेंटम की जगह हमने एम वी को रिप्लेस किया, मोमेंटम की जगह हमारा दूसरा जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिला, दैट इज अंडर रूट 2mk, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया। मीन्स वी नीड टू रिकॉल दिस ऑल इंटर कन्वर्जन, हमको ये सारे इंटर कन्वर्जन भी याद रखने हैं एमसीक्यू सॉल्यूशंस के लिए, राइट। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बोलूं कि लास्ट एक्सपेरिमेंट था, डिटेल एक्सपेरिमेंट याद करना, डीजी एक्सपेरिमेंट, डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट, तो उसके इसमें हमने एनर्जी रिलेशन को, मैं सिंपल सा बोलूं ना तो ये काइनेटिक एनर्जी जो आपको दिखती है ना उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या रख दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आप देखो एच की कॉन्स्टेंट वैल्यू, एम की कॉन्स्टेंट वैल्यू, चार्ज की कॉन्स्टेंट वैल्यू और टू, इसको जब रिप्लेस कर देंगे ना तो हमें नैनोमीटर में ये आंसर मिलता है 1.23। सो बेसिकली ये एमसीक्यू के लिए क्या आपको याद रखना है, अगर आपको गिवन वोल्टेज वैल्यू है तो वो वोल्टेज वैल्यू को सिर्फ आप रिप्लेस करोगे एंड यू विल गेट द डेफिनेट वेवलेंथ, एंड यू विल गेट द डेफिनेट वेवलेंथ फॉर इट। सो दैट यू हैव टू रिकॉल। ये जो लास्ट दो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, माने थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, बेसिकली इट्स अगेन रिविजन टू द रिविजन, आई वुड से दैट, क्योंकि आइंस्टाइन प्रिंसिपल कंसेप्ट में रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जैसे कि हमने डिफाइन किया है,
रेस्ट मास ऑफ द फोटोन में हम ये मीडियम जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द मीडियम है, उसकी जगह हमने सी रिप्लेस किया, तो फाइनल ये टोटल आंसर हमारा क्या हुआ, जीरो हुआ। बट रिस्पेक्टिवली कैलकुलेटिव कंसेप्ट के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एम नॉट इज इक्वल्स टू एम अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। फाइनली ये पूरा मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन फिर से एक बार इंटर कन्वर्जन सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं। लुक एट ओवर ये इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा है हमारा। दूसरा आइंस्टाइन का फॉर्मूला रिलेटिव थियरी का, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है। अभी मैंने सिंपली क्या किया, ये जो एम सी स्क्वायर है ना, उसमें से सी स्क्वायर की जगह आप सिंपली लिखो क्या, सी इंटू सी, और सामने क्या है, एच सी अपॉन लैम्बडा। तो बेसिकली मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जब आप ये वैल्यू को इंडिकेट करोगे, तो उस केस में सपोज टू बी ये सी सी आप कैंसिल कर दोगे, तो ये क्या बचा, मोमेंटम बचा ना। मोमेंटम माने एम इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो बेसिकली ये आप देख सकते हो ये है मोमेंटम, और एच अपॉन लैम्बडा ये आप देख सकते हो एच अपॉन लैम्बडा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो पर्टिकुलर मास इंटू वेलोसिटी है उसको मैं क्या बोल दूं, पी। लुक एट ओवर हियर, ये पी दिखता है आपको, ये एनर्जी रिलेशन इटसेल्फ यहां पर है, और ये जो सी यहां पर बचा है, ये जो सी वैल्यू आप यहां पर इंडिकेट कर रहे हो, वो सी वैल्यू एग्जैक्टली आप यहां देख सकते हो। सो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ई इज इक्वल्स टू पी सी, ई इज इक्वल्स टू पी सी। सो क्लियर विद दिस? सो इन दिस पर्टिकुलर रेंज मैं बोलूंगा कि ये चैप्टर एकदम शॉर्ट चैप्टर है, लिमिटेड फॉर्मूलाज है, ये लिमिटेड फॉर्मूला पर आपको जितने भी एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस करना है। सो इस पूरे वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूला जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है वो आपको रिवाइज करवा दिए है। आई विल गो थ्रू दी डिटेल कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट्स फॉर्मूला कंसेप्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। आई विल सेंड पर्टिकुलर वर्कशीट अलॉन्ग विद दिस वीडियो, सो प्लीज डू सॉल्व इट प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।